दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय होंगी, वहीं डिप्टी मेयर के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। आज सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसी की मीटिंग में इन नामों का ऐलान हुआ है। इसके अलावा 4 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के तौर पर आमिल मलिक करावल नगर, रविंद्र कौर हरिनगर, मोहिनी जीनवाल सीमापुरी और सारिका चौधरी जंगपुरा के नामों का चयन किया गया है। सबसे पहले मैं 4 स्टैंडिंग कमेटी में जिनके नाम पार्टी ने सोचा है वो नाम आपके सामने रख रहा हूँ। आमिल मलिक वार्ड नंबर 246 से करावल नगर विधानसभा के मेंबर हैं ये। दूसरा नाम रविंदर कौर जी वार्ड नंबर 100 हरिनगर विधानसभा की हैं। मोहिनी जिनवाल वार्ड नंबर 218 सीमापुरी विधानसभा। सारिका चौधरी जी वार्ड नंबर 142 जंगपुरा। तो ये 4 नाम स्टैंडिंग कमेटी के लिए। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जी का नाम वार्ड नंबर 76 मठिया महल से। और मेयर के लिए जो कि इस बार महिला के लिए सुरक्षित है, पार्टी ने मिस शैली ओबराय वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा इनका नाम सुनिश्चित किया है। मैं पार्टी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद है कि वो सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए जो दिल्ली की उम्मीद है उसे पूरा करेंगे। तो ये 6 नाम आज की चर्चा में जो हुए वो मैंने आपके साथ। दरअसल एमसीडी के मेयर पद के कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने के लिए आज आपने पीएससी की बैठक बुलाई थी। इसमें मंथन के बाद मेयर पद के उम्मीदवार के लिए शैली ओबराय के नाम पर मुहर लग गई है। इसी मीटिंग में आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के नाम की घोषणा भी की। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2022 है। दरअसल एमसीडी चुनाव जीतने के बाद से ही दिल्ली के नए मेयर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। लंबे इंतजार और मंथन के बाद आपने शैली ओबराय को अपना उम्मीदवार बनाया है। शैली वार्ड संख्या 86 से पार्षद चुनी गई हैं। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव 6 जनवरी को होना है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लिहाजा ये तय है कि अब आपके उम्मीदवार ही मेयर और डिप्टी मेयर का पद संभालेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।